झारखंड सरकार का एक अभियान शुरू हुआ है, यह अभियान दूसरा चरण है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह के झंडा मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, स्थानीय विधायक, सभी लोग मौजूद थे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके करीब जाकर उन्हें लाभ देने की योजना बनाई है। यह कार्यक्रम दूसरा चरण है और दूसरे चरण के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का वितरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अभ्रक उद्योग को नया व्यावसायिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावे जैक आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है वो योजना का गठरी बांध बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। आप उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके, ये हमारी सोच है। और इस राज्य को अगर हरा भरा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा हवा रखना है तो आप लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा, आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। मायका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और बहुत जल्द ये मायका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर जो मजदूर हमारे पलायन करते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कोई सांप काटने से, कोई पानी में डूबने से, कोई हाथी के प्रकोप से या और कोई आपदा से मर जाने के उपरांत इनको जो मुआवजा सरकार देती थी, किसी में 4 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख का प्रावधान था, उन सभी को एक समान रूप जितने भी इस तरीके की मौतें होंगी इस राज्य के अंदर उन सभी मौतों में 4 लाख रुपया कम से कम लोगों को दिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेंगे उनको पुनः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कारित सम्मान राशि उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़े ही हैं। पंचायत पंचायत में हम लोग का खेल मैदान बन रहा है, हर प्रखंड कार्यालय प्रखंड में स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प है और बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को ये जो आप गांव-गांव में खेलते थे फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी करते थे, अब इन सब खेल को प्रोत्साहित करके अब आपके गांव से निकाल करके विदेशों, ओलंपिक और एशियाड में ले जाने का काम करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है।